नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने बीते शुक्रवार को अपना 63वां जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही हाल ही में उनकी फिल्म शमशेरा रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अपना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म में उनके किरदार दरोगा शुद्ध सिंह को काफी पसंद किया गया। संजय दत्त का नाम इंडस्ट्री के दिग्गज और बेहतरीन एक्टर्स में गिना जाता है। आज भी उनके ऐसे कई किस्से हैं जो अनसुने हैं। एक समय था जब संजय दत्त का नाम केवल विवादों से ही जुड़ा रहता था। उनकी फिल्मों से ज्यादा लोग उनके विवादों के लिए उन्हें जानते थे। आज हम आपको उनके एक ऐसे ही किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। संजय दत्त से जुड़े ऐसे कई मामले हैं जो हमेशा से चर्चा में रहे हैं। जो किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो उनके बचपन का किस्सा है। बताया जाता है संजय दत्त को बचपन से ही खिलौने वाली बंदूकों का काफी शौक था, लेकिन उनका ये शौक एक बार उन पर ही भारी पड़ गया था। दरअसल संजय दत्त के परिवार के एक करीबी ने बताया था कि बचपन में एक बार संजय के हाथ उनके पिता की लाइसेंस वाली बंदूक लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने खेलते समय गलती से ही अपने मेड पर गोली चला दी थी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। बाद में उनके परिवार ने मेड का इलाज कराया और इस पूरे मामले को रफा दफा किया। संजय दत्त की गिनती इंडस्ट्री के सफल कलाकारों में की जाती है। उन्होंने अपने करियर में दर्जनों हिट फिल्में दी हैं। भले ही शुरुआती दौर में संजय दत्त का करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने पिता सुनील दत्त की तरह ही अपना नाम बनाया। साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड भी अपने नाम किए। बता दें कि संजय दत्त ने 22 साल की उम्र से फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म हिट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुश्किलों से जंग लड़ते हुए आज तक का सफर तय किया। बता दें कि अब वो जल्द ही फिल्म द गुड महाराजा में नजर आने वाले हैं, जो इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। उनके फैंस को अब इस फिल्म का इंतजार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।